1951, 52, 53, 54, 1954 तक भारत की सशस्त्र सेनाओं के, चाहे वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो, चाहे वो एयर मार्शल हो, चाहे एडमिरल हो, तीनों सेनाओं के मुखिया 1954 तक अंग्रेज थे। भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1968 तक भारत की आंतरिक सुरक्षा, ये जो मेरे भाई हैं जो अपने सीने पे सरकारी वर्दी पहने हैं, लेकिन ये मेरी और आप ही की तरह सनातनी है, इनकी वर्दी से आप ये मत समझिए कि इनके अंदर राष्ट्र के प्रति कोई भाव नहीं है। इनकी मजबूरी है कि इस वर्दी ने इन्हें झूठ बोलने पे मजबूर कर दिया है, लेकिन मैं इनका सम्मान करते हुए चाहता हूं, बच्चे इनके भी पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है कि ये दिन भर वर्दी पहन के ही सोते हैं और जगते हैं। वर्दी इनकी नौकरी है, इनके मन में भी हजारों सवाल हैं, ये भी सवाल अपने अंदर से पूछते हैं कि जो वर्दी हमको पहनाई गई है, जिस वर्दी का हमको बताया गया है कि इस वर्दी पहनने के बाद आपको कर्तव्य निष्ठा के साथ काम करना चाहिए, बेईमान नेताओं तुम इन पुलिस वालों को बताओ कि इस तथाकथित आजाद भारत में 1860 के अंग्रेजों द्वारा बनाए हुए पुलिस कानून से आज की भारत की पुलिस गवर्न होती है, 1861 के एविडेंस कानून से ये पुलिस वाले बेचारे आपको देखते हैं। इनका कसूर है, ये संसद में बैठने वाले डकैतों का कसूर है, इनको पता ही नहीं बेचारा। आपने एक नैरेटिव बना लिया है 1947 से लेकर 2022 के भारत में नए नए क्राइम, नए नए जघन्य अपराध होने लगे, लेकिन इनके पास जब आप जाते हैं तो आपके एक बनी बनाई इमेज है, पुलिस वाला मतलब बेईमान, लुटेरा, ये सुनी सुनाई है। कभी इनके घर जाकर के मिलिएगा तब पता चलेगा ये कौन है। मैं ये काम करता हूं, सुनी सुनाई बातें नहीं करता मैं। ये कितने कंट्राडिक्शन में नौकरी करते हैं ये अंदाजा नहीं है, क्योंकि नेताजी को तो महान दिखना है, सारी जिम्मेदारी इनकी है। एक नया क्राइम शुरू हुआ है इस देश में, अल्लाह के फजल से, अल्लाह की मेहरबानी से, हमने दो कंट्राडिक्शन देखे। एक है जिहाद, जो इस्लाम का एक हिस्सा है, लेकिन अब हमको पता चला कि एक तो जिहाद होता है अपनी सत्ता को स्थापित करने का, लेकिन 1947 में दुनिया का सबसे बड़ा लैंड जिहाद हुआ, और आजकल एक जिहाद की चर्चा बहुत होती है, लव जिहाद। अजीब समस्या है इस देश में, हम सनातनी हर मर्ज की दवाई समझते हैं, कानून बना दो उस पे, और जो भी ये सनातनी मां बहन बेटी भाई पिता नाना दादा चाचा ताऊ जो भी ये कहता है वो बेईमान है। भरी सभा में कहने की हिम्मत नहीं होगी किसी को। हम अपनी ड्यूटी, अपना दायित्व, अपना फर्ज नहीं करना चाहते, सब कुछ चाहते हैं सरकार करते हैं। लव जिहाद का कोई केस हो भी जाता है तो पुलिस में जाएंगे। उस पुलिस वाले से आपने पूछा कभी थाने में जाकर के? आपने तो उसे क्राइम अपने आप मान लिया कि लव जिहाद एक क्राइम है, गलत है, आप थाने ले गए। उस बेचारे से पूछो कि लव जिहाद के केस को किस धारा में रजिस्टर करे,
जो 1860 के कानून से चल रहा हो, आजाद भारत की पुलिस, वो लव जिहाद पे कौन सी धारा लगाए? वो बेचारा सोचता है, आपके गुस्से का शिकार होता है, वो उनको बिठा भी लेता है, आप चले जाते हैं, उन्हें छोड़ देता है। हर आदमी ये कहता है, मालूम है, पैसे ले लिए पुलिस वाले ने और छोड़ दिया। अरे उसके मन को झांको कि उसके पास कोई धारा ही नहीं है लगाने की, उस पर कोई कानून ही नहीं है, वो क्या करे? एक सामाजिक बीमारी को आप कानून से, धाराओं से लड़ना चाहते हैं? लव जिहाद, लैंड जिहाद, ये जिहाद, वो जिहाद, इसके लिए समाज को लड़ना पड़ेगा, कानून से कुछ नहीं होने वाला। कानून तो रेप का भी है, मर्डर का भी है, सब चीज का है, तो क्या रुक गया कानून से? याद रखिएगा, दुनिया में पुलिस वहीं पर सबसे ज्यादा अलर्ट होती है जहां राष्ट्र के लोग जागृत होते हैं। आप अपनी सर के ऊपर से जिम्मेदारी, कभी पुलिस, कभी नेता, कभी इस पार्टी करते करते आपके घरों के अंदर इतनी दूर तक गंदगी चली गई है कि आज एक नई बीमारी चल गई। इस फिल्म का बायकॉट करो, जब तक बायकॉट पूरा होता तब तक दूसरी आ जाती है। आप किसी बीमारी का इलाज एक बार ढूंढिए, जिस दिन समाज ढूंढेगा, हजारों साल तक दोबारा नहीं होगी वो। इसलिए अपनी भूमिका को तय करें। हमारी माएं, हमारी बहनें और बेटियां, इन तीनों से मेरा एक निवेदन है, क्या हमारी माएं अपनी बेटियों से, जो स्कूल से निकल के कॉलेज में नई नई जाती हैं, पूरा माहौल बदला हुआ होता है, क्या हमने कभी उस मां ने अपनी बेटी से कभी बातचीत की? कभी उसको दोस्त समझ करके उससे बातचीत की? उसके शरीर में बदलाव, समाज में बदलाव, उसके आसपास के माहौल ने उसके अंदर भी एक जिज्ञासा पैदा की, एक क्यूरियोसिटी पैदा की, ये होता क्या है, कैसे होता है? हमने कभी उससे दोस्त समझ के बात नहीं की, और जब हमने बात नहीं की तो उसके मन में जो भाव उभर रहा है, उसके अंदर जो क्यूरियोसिटी है, वो किसी ना किसी से साझा करेगी कि नहीं करेगी? और खासतौर से उन घरों में जिनमें पिताओं को यह कहने का बड़ा शौक है। मैंने बहुत पास से देखी चीजें, इसलिए कह रहा, आपका बेटा मां पूछे कि बेटा नहीं आया, तो पिता मालूम है क्या कहता है? अरे आ जाएगा, उसकी इतनी सारी दोस्त हैं, वो इससे मिलने गया होगा, उससे मिलने गया होगा, ऐसा गर्व करता है कि माचो वही है। ये वो भूल जाता है कि जब अपने बेटे के बारे में कहता है कि उसकी तो दो दो गर्लफ्रेंड दोस्त हैं, बड़े शान से बताता है, तब वो ये भूल जाता है कि उसी परिवार में एक बेटी भी है। उस बेटी से ना कोई बात करना चाहता है, ना उसके साथ जाकर के कोई फिल्म देखना चाहता है। तो आप उस बेटी को उस समाज की धारा से एकदम अलग कर दें और वो एकदम सनातनी हो जाए और लड़का दिन भर मोटरसाइकिल पे घूमता रहे, ये मुमकिन नहीं है। ये 2022 का भारत है। जितना आप किसी चीज को छुपाएंगे, उतना ही ताकत से वो निकलेगी बाहर। आप कथा सुनिए, कोई मुझे बुराई नहीं है कथा सुनने में, कुछ बहुत अच्छे कथाकार हैं, सास भी कभी बहू सीरियल भी देखिए, और हर दिन का एपिसोड देख करके हर नई साड़ी भी ले आइए और उसे पहनिए भी, इसमें भी कोई बुराई नहीं। लेकिन अपनी बेटी के साथ दोस्तों की तरह बात करिए, उसके मन में से बहुत सारी चीजें बाहर आ जाएंगी, उसे भरोसा दिलाइए कि मैं तेरी दोस्त हूं। अगर शहर में कोई सी फिल्म लगी है,
जिस दिन माँ ये कहने लगेंगी ये फिल्म सिर्फ मैं तेरे साथ देखूंगी, आप देखिएगा कि आपकी आधी परेशानी दूर हो जाएगी।